Hey beautiful girls and beautiful ladies, welcome back to my channel. It's me Ruchika and you are watching Ruchika's Life. So in today's video I am gonna share you this beautiful, easiest, dewy and glowy makeup look. तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज़ किए हैं. तो सबसे पहले मैंने यूज़ किया Maybelline Fit Me मैट प्लस पोरलेस नॉर्मल टू ऑयली प्राइमर विथ क्ले. तो ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है, ये आपके पोर्सेस को मिनिमाइज कर देता है. तो इसे अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी कवर स्टूडियो अल्ट्रा बेस कंसीलर पैलेट से ग्रीन शेड. इसे मैं अपने पिम्पल स्पॉट्स पर अप्लाई करूँगी. ये पिम्पल्स स्पॉट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये शेड. और उसके बाद मैं अपने स्किन से मैच होता हुआ शेड यूज़ करूँगी अपने डार्क सर्कल्स को, डार्क स्पॉट्स को कवर अप करने के लिए. तो यही सेम शेड मैं अपने आईज पे भी अप्लाई करूँगी प्राइम करने के लिए. सारी चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है. तो आफ्टर ब्लेंडिंग मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डेली लाइफ फॉर एवर 52 प्रोफेशनल अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन जिसका शेड है FLF005 मिल्क केक. तो इसे भी मैं अपने पूरे फेस पे, नेक पे, ईयर्स पे, आईज पे अच्छे तरीके से अप्लाई कर लूँगी. कुछ भी चीज़ मिस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो फेस है वो अलग अलग दिखाई देगा. क्योंकि ये जो मेकअप लुक है ये ड्यूई ग्लोई मेकअप लुक है. यहाँ पे मैं कोई भी पाउडर ब्राउजर यूज़ नहीं करूँगी. मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सेम कंसीलर पैलेट से सबसे डार्क शेड और इसे मैं अपने फेस को कट दूँगी. तो इसे भी मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी और सेम शेड मैं अपने नोज़ पे भी अप्लाई करूँगी नोज़ को कट देने के लिए, एक प्रॉपर शेप देने के लिए. तो अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ Maybelline Fit Me का कॉम्पैक्ट पाउडर. इसे मैं अपने पूरे बेस मेकअप को सेट कर लूँगी. बेस मेकअप को सेट करना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है गाइस, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जो मेकअप है वो बहुत केकी लगेगा, क्रैक ही लगेगा. तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर यूज़ करें, स्पेशली वहाँ जहाँ पर ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हो. तो अब मैं यहाँ पे द 24K न्यूड Maybelline न्यूयॉर्क आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ. इसमें का ब्राउन शेड मैं अपने आईब्रोज को सेट करने के लिए यूज़ करूँगी. और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एल्फ आई शेडो का बिट साइज आई शेडो पैलेट. इसमें से मैं ऑरेंज शेड अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई करूँगी फ्रॉम आउटर टू इनर कॉर्नर, जिससे मैं एक वी क्रिएट करूँगी आउटर कॉर्नर पे. उसके बाद मैं ये डार्क शेड यूज़ कर रही हूँ सेम पैलेट से और इसे भी मैं अपनी क्रीज लाइन पे ही अप्लाई करूँगी फ्रॉम आउटर टू इनर कॉर्नर, इधर इनर कॉर्नर टू आउटर कॉर्नर, बट आपको क्रीज लाइन पे ही अप्लाई करना है और अच्छे से इसे ब्लेंड करना है ताकि दोनों ही शेड मिक्स हो जाए और कोई भी बीच में हार्श लाइन ना दिखाई दे. उसके बाद मैं ये नायका की आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इससे मैं जो पिंक शेड है उसे मैं अपने पूरे आई लीड पर अप्लाई करूँगी. ये एक शिमरी शेड है. सो अब मैं यहाँ पे सेम ब्राउन शेड ले रही हूँ और उसे मैं विंग आई लाइनर क्रिएट कर रही हूँ. तो मेकअप की सारे प्रोडक्ट्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे जहाँ आप चेक कर सकते हैं. और सेम ब्राउन शेड मैं अपने लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई कर रही हूँ और सभी चीज़ों को ब्लेंड करने के बाद नाउ आई एम यूजिंग दिस नायका काजल और इसे मैं अपने वाटर लाइन पर अप्लाई करूँगी. और जो सेम शेड मैंने अपने आई लीड पर अप्लाई किया था शिमरी शेड, उसे मैं हाइलाइटिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ अपने ब्राउ बोन पे और इनर आई कॉर्नर पे. सो अब मैं अपने लैशेज को कर्ल कर लूँगी. कर्लिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये लॉरियल पैलेस का लैश पैराडाइज मस्कारा. ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है, आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो गाइस, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ Maybelline न्यूयॉर्क मास्टर ब्लश कलर एंड हाईलाइट किट. तो इसका पिंक शेड मैं ब्लश के लिए यूज़ करूँगी और हाइलाइटर हाईलाइट करने के लिए. तो ये हमारा जैसे कि ग्लोई मेकअप लुक है तो इसमें हाइलाइटर हमको अच्छे से यूज़ करना है. इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ के ब्यूटी का HD सेटिंग लूज पाउडर इन शेड वनीला. ये बहुत ही अच्छा लूज पाउडर है और इसे मैं अपने पूरे बेस मेकअप को सेट कर लूँगी. सो ये फाइनली सेटिंग कर रही हूँ मैं अपने बेस मेकअप का ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखाई दे. और अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ नायका की मिनी लिपस्टिक और जिसका शेड है 17M. ये बहुत ही अच्छा डार्क शेड है. सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो. आप इस मेकअप लुक को किसी भी फंक्शन में क्रिएट कर सकते हैं और ये बहुत ही ईजी मेकअप लुक है मेरे ख्याल से. सो साथ ही साथ ये बहुत ही ग्लोई लगता है, बहुत ही प्रिटी लगता है. तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं गाइज. सो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. अब मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ ऐसे ही अच्छे वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.